एक्सरसाइज 16.4 वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन क्या है? देयर आर टोटल 8 मेटल स्फीयर विद रेडियस सेम रेडियस। ओके, टोटल 8 मेटल स्फीयर हैं जिनकी रेडियस सेम है। उन 8 मेटल स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा क्या गया है? फाइंड एरिया ऑफ ईच फेस ईच स्फीयर सो ऑब्टेंड। देखो, जो ये रेडियस, जो ये टोटल 8 मेटल स्फीयर है, हमें इनका एरिया पता लगाना है। एक का एरिया पता लगा लो, सारे सेम हो जाएंगे। तो देखो, अब इसको क्वेश्चन क्या है, जब भी आप कोई भी मेटल को या ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक नया चीज बनाते हो, उस केस में वॉल्यूम इक्वल होता है। अब यहां पर टोटल स्फीयर कितने हैं? 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जो बड़ा वाला बना उसका, इसका क्या बनेगा? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये बनेगा 4/3 पाई आर वन क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी आर वन न्यू स्फीयर। ठीक है, 4/3 से 4/3 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, आर क्यूब विल बी, यहां क्या आएगा, 10 का क्यूब आएगा और ये 8 का क्यूब आएगा आर क्यूब। अब देखो, 10/2 का क्यूब, 10 का क्यूब 8 को लिख सकते हैं, 2 का क्यूब ये कट हो गया 5, आर क्यूब आ गया 5 क्यूब, पावर सेम है, बेस सेम होगा, आर इक्वल टू 5। अब एरिया पूछा है, तो टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 24/7 आर 5 है, 5 है, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज, ओके, एस ए सरफेस एरिया, डन, स्फीयर क्वेश्चन है, सरफेस एरिया इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड वॉल्यूम, ओके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर 5544, 4 24/7 आर स्क्वायर 5544, आर स्क्वायर 5544, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, 11 टू जा 11, 5 जा 0, 11 4 जा, डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से कि ये 0 कहां से आया, वो आपको ही पता होना चाहिए। ओके, 2 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 2 जा, डन, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 4 6 जा 24, 3 4 3 जा 12, तो r स्क्वायर आएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो, इसके फैक्टर कर लो आप, इसको कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हो, 9 इंटू 7 इंटू 7 लिखोगे, स्क्वायर हटाओगे, यहां रूट का सिंबल आएगा, ये तो रूट के बाद आएगा सिंगल टाइम, 9 का रूट 3, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर की वैल्यू कितनी हो गई, 21 21 21, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10 is the dimensions of a solid rectangular block. अच्छा, rectangular block है तो वो तो cuboid होगा. L कितनी given है? 66 centimeter. B कितनी given है? 42 centimeter. And H given है 21 centimeter. Okay. The dimensions of a solid rectangular block of lead is this, this and this respectively. Find by melting this how many spherical balls of diameter? Easy. Sphere. Radius. Diameter given है 4.2 meter. तो radius हो जाएगी 2.1 meter. एक cuboidal box है जो metal का बना हुआ है. उसको melt करके हमने sphere बना दिए. तो total quantity पूछी गई है कि total कितने sphere बनेंगे? Simple. तो number of sphere will be volume of cuboid upon volume of sphere. जिसकी क्वांटिटी पता लगानी होती है उसी का वॉल्यूम नीचे आता है. L into B into H, ये आएगा 4 upon 3 पाई R क्यूब. अब देखो L की वैल्यू कितनी है? 66, B 42, H 21. ये 3 ऊपर आ जाएगा. अब देखो थोड़ा, ये 4 का 4, पाई की वैल्यू 22 upon 7, वो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 यहां आएगा, 7 यहां आ जाएगा. r क्यूब कितना है? 2.1. देन 2.1 2.1 एंड 2.1. अब इसकी कैलकुलेशन देख लो. इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, इसको हटाओगे तो 10 आएगा और इसको हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा. कैलकुलेशन बच्चों अच्छे से आनी चाहिए. देखो अब 22 वन सा 22 थ्री सा 21 वन सा 21 वन सा 21 वन सा 21 टू सा 3 7 सा 21 7 वन सा 7 क्या बचा इनसे सब कट गए. ये बचा 2 वन सा 2 टू सा 2 5 सा. अब देखो नीचे सब कट गए, ऊपर क्या बचा? 3 5 10 3 3 सा 9 5 सा 45. तो टोटल 4500 स्पेयर बनेंगे. ओके डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर. ए स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर, देन रेडियस बनी 3 सेंटीमीटर. देन इज ड्रॉप इनटू ए सिलैंडरिकल वेसल. इसको हमने सिलैंडरिकल वेसल के अंदर डाल दिया, ठीक है? सिलैंडरिकल वेसल में डाल दिया जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर था. Means R1 6 सेंटीमीटर. आपसे इसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है? अब देखो एक सिलेंडर बनाए, इस सिलेंडर के अंदर एक स्पेयर डाला गया है. तो इसके अंदर जो वाटर है, तो वाटर का जो राइजिंग, वाटर की जो हाइट है वो राइज होगी, थोड़ी ऊपर आएगी. तो वाटर की हाइट कितनी ऊपर आएगी, मतलब टोटल हाइट क्या होगी, आपको ये पता लगाना है. तो देखो आप क्या डाल लो, स्पेयर डाल लो, इसका कुछ वॉल्यूम होगा. जितना वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा उतना ही हाइट इंक्रीज होगी. तो अब इस केस में भी दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल बनेगा, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर वन आ जाएगा, यहाँ आएगा 4/3 पाई आर क्यूब. पाई से पाई कट गया. R1 की वैल्यू 6 × 6 × H 4/3. पाई की वैल्यू 22/7. R की वैल्यू 3 × 3 × 3
अब देखो ये वहां अपॉन इसमें जाएगा तो ये आएगा 4 अपॉन 3 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 अपॉन में क्या आएगा 6 6 टू टाइम्स आएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा तो बचा क्या पीछे h इक्वल टू बचा 22 अपॉन 7 और कुछ नहीं बचा तो क्या हाइट इंक्रीज होगी 3.14 सेंटीमीटर इतनी जो हाइट है वो उसकी अच्छा पाई कैसे बचा पाई तो कट हो गया ये पाई तो कट हो गया ये तो बचना ही नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि ये पाई से पाई कट हो चुका है अब देखो सब नंबर कट हो गए तो